हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आज हम बनाने वाले सैमसंग गैलेक्सी M31S। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है, ये फ़ोन हैंग ऑन लोगो है और बार बार रिस्टार्ट रिबूट होता है हैंग ऑन लोगो पे। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है गाइस, सीपीयू के जो बॉल है वो ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से फेस होता है। तो चलिए आज ही ये प्रॉब्लम फिक्स करना आपको बताएंगे। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे। सबसे पहले हम ये जो शील्ड है, ये वाली ऊपर की कवर, ये निकाल देते हैं, और इसके बाद ये जो स्टील की शील्ड दिख रही है आपको, ये भी रिमूव कर लेंगे। देख लीजिए, अभी हिट मारना चालू कर दिया हमने टूल की मदद से। धीरे धीरे इसे बाहर निकाल देंगे हम, तो उससे होगा ये जो हमारा प्रोसेसर है वो निकालने में हमें हेल्प मिलेगी। देख लीजिए, इस तरीके से शील्ड निकाल लेनी है हमें। तो ये टेप लगा देते हैं हम EMMC पे, UFS चिप पे टेप लगाने से होगा गाइस ये कि बाजू में जो EMMC लगी है वो ड्राई भी नहीं होंगी और उसके बॉल भी बाहर नहीं आएंगे। और ये पावर पे भी, लाइट IC पे भी लगा देते हैं हम। अब बारी है हमारे CPU की, तो हम इसमें कोई कैपेसिटर नहीं निकालेंगे डायरेक्ट ही, इसका रोम उठाएंगे। अभी देख लीजिए, आप देख लीजिए रोम गर्म हो चुका है हमारा। अब ब्लेड से हम रोम को उठा लेंगे। तो ये बड़ा आराम वाला प्रोसेस रहता है गाइस। तो ये हमारी रोम IC उठ चुकी है। अब बारी है CPU उतारने की। तो सबसे पहले हम आजू बाजू की जो जगह है वो कटिंग कर लेंगे। ये प्रॉपर कटिंग कर लेनी है हमें, थोड़ा पेस्ट लगा देंगे ऊपर से, पूरा पेस्ट अच्छे से लगा लेंगे। फिर उसके बाद हिट मारेंगे, हिट सब तरफ मारनी है, एक ही तरफ नहीं मारनी, इससे हमारा प्रोसेसर खराब हो सकता है। तो देख लीजिए, बस CPU गर्म होने ही वाला है अभी हमारा। तो ये धीरे धीरे ब्लेड डालनी है हमें, कोई घाई नहीं करनी है, एकदम आराम आराम से। देख लीजिए, बस CPU निकल चुका है हमारा। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा पेस्ट लगा के अच्छे से पूरा पेस्ट लगा लेना है बोर्ड में, और कहिए की मदद से, डीशोल्डरिंग वायर की मदद से क्लीन कर लेना है। पहले हम शोल्डर पूरा निकाल लेते कहिए की मदद से, तो उससे हो ये होगा हमारा डिसोल्डिंग वायर जल्दी जल्दी खराब नहीं होगा। पूरा क्लीन कर लेना है अच्छी तरीके से। अभी थिनर की मदद से इसे साफ कर लेंगे हम। तो ये देख लीजिए, बोर्ड पूरा क्लियर हो चुका है। थोड़ा बहुत जो ग्लू है आजू बाजू ये क्लीन कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत और एक बार और कर ही लेंगे हम, कभी ऐसा लगता है हमें, तो डिसोल्डिंग वायर की मदद से पेस्ट लगा के एक बार और साफ कर लेंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है अभी भी, तो एक बार हम साफ कर लेते हैं अभी। देख लीजिए, अब क्लीन हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि वो गंदगी की वजह से वहाँ दिखता नहीं है कि हमारा बोर्ड क्लीन हुआ कि नहीं हुआ। और ये जितने भी आप ट्रैके दिख रहे हैं ओपन है, वो ट्रैके नहीं है एक्चुअली में, वो नंद वाली ट्रैके है, यानी कोई काम की नहीं रहती, NC बोलते हैं जिसे, वो ट्रैक है पूरी जो निकली है बाहर। और ये ज़्यादातर इसलिए बाहर निकलती है क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहता इनबिल्ट ट्रैक का, इसकी वजह से बाहर आ जाती है। CPU ऐसी शो पीस में रखी भी रहती है ऊपर में चिपकी भी। तो ये देख लीजिए, हमारा बोर्ड नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब आ जाती है बारी CPU साफ करने की। देख लीजिए, गन की हिट की मदद से हम पूरा ग्लू साफ करने वाले हैं इसका भी, और हीट हमारी एकदम कम है, नहीं के बराबर, सिर्फ ग्लू निकल जाए, शोल्डर भी ना पिघले ज़्यादा, उसके हिसाब से हमने हीट रखा है। देख लीजिए, हमारा पूरा साफ हो चुका है। अब डिसोल्डिंग वायर पेस्ट की मदद से एक बार इसे क्लीन कर लेंगे। और ये कार्बन कैसे निकालना है वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। जो बाकी पॉइंट जो ड्राई वाले जो आपको दिख रहे हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम आता है, सेट ऑन नहीं हो पाता है, या तो रिस्टार्ट रिबूट का इशू आता है, ये पॉइंट ड्राई हो जाते हैं उसकी वजह से तकलीफ आती है। तो इसको आप प्रॉपर निकाल के रिशोल्डर मार के लगा देंगे तो हमारा जो रिस्टार्ट रिबूट हैंगिंग डेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसका प्रोसेसर एक्चुअली खूब ज़्यादा गर्म आता है, उसकी वजह से इशू फेस करना पड़ता है हमें। तो इसको, इसके लिए हमें पूरा फटाफट इसको साफ कर लेंगे, पहले CPU को तार के ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे पूरा। इसको दो बार हम इससे कहिए से साफ करेंगे, एक बार में कई बार क्या रहता है, एक बार में रह जाता है अंदर शोल्डर, तो
तो दो बार इसलिए करेंगे गाइस कि दो बार में सही हो जाता है। तो अभी थोड़ा पेस्ट लगाएंगे हम, फिर से एक बार क्लीन कर लेंगे इसे। कोई घाई नहीं, आराम से करना है हमें, और इसमें ज़्यादा ताकत लगाए तो ये जो पॉइंट है ब्लैक वाले वो ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर आपके बॉल नहीं बन पाएंगे। एकदम आराम से कहिए को, एकदम हल्के हाथ से रखना है कहिए को, आईसी के ऊपर एकदम हल्के हाथ से रखना है, तो इससे क्लीन हो जाएगा प्रॉपर। तो अभी ये हमारा बस साफ होने ही वाला है। तो ये हमने पीपीटी भर के इसमें रख चुका है, अब हिट मारेंगे। पीपीटी भर दिया है इसके होलों में पूरी, और हिट मारे तो बॉल बन चुके हैं हमारे पूरे, ठीक है। तो अभी एक बार और यही प्रोसेस करेंगे हम सेम। देख लीजिए एक बार वही प्रोसेस सेम हो चुकी है हमारी, अब और हिट मारेंगे हम। तो देख लीजिए बॉल एकदम प्रॉपर बन चुके हैं हमारे। थोड़ा पेस्ट लगा के हिट मार देंगे, कोई एक दो बॉल जो बराबर बैठे नहीं होंगे होल में वो प्रॉपर बैठ जाएंगे, कि आप जब सीपीयू लगाएंगे तो आपके बॉल बाहर आके इधर उधर ना भागे। तो ये हो चुका है हमारा पूरा ओके काम। अब बारी है सीपीयू बनाने की। तो सबसे पहले जब भी मैंने जो बताया था आपको कार्बन क्लीन करना है, तो इसके टूल की मदद से हमें कार्बन क्लीन कर लेना है पूरा। देख लीजिए ब्रश के टूल की मदद से ये पूरा कार्बन क्लीन हो जाएगा। ये कार्बन हमारा क्लीन हो चुका है। अब बारी है आईसी रिबॉल करने की। ये स्टेंसिल से होल मिला लेने हैं हमें। देख लीजिए इस तरीके से आपको पीपीडी भर के आईसी रिबॉल कर लेनी है। फिर इसके बाद हम एक बार इसकी कटिंग करेंगे, फिर से एक बार हम कटिंग करेंगे, उसके बाद पीपीडी भरेंगे इसमें। तो इससे होगा ये जो बॉल छोटे बड़े बने थे वो प्रॉपर बन जाएंगे। तो देख लीजिए अब बॉल एक जैसे बन जाएंगे हमारे। एक बार और कटिंग कर लेते हैं हम, बॉल एक नंबर बन चुके हैं हमारे। देख लीजिए बॉल एक साइज के बन चुके हैं। थोड़ी हिट मार लेंगे, देख लीजिए बॉल एकदम प्रॉपर बन चुके हैं हमारे। इसे थोड़ा फ्लक्स लगा के हिट मार लेंगे, जो बॉल जगह पे नहीं होंगे वो जगह पे भी आ जाएंगे, और हम सेम यही सीपीओ थोड़ा पेस्ट लवर ज्यादा लगा लेते हैं और सीधा मदरबोर्ड में फिट कर देंगे। ये आ चुका है हमारा मदरबोर्ड। अब हम सीपीओ लगाने वाले हैं, और आईसी का नॉइस जो था हमारा नीचे साइड में था, राइट हैंड पे नीचे के साइड, तो आपको वहीं लगाना है नॉइस। उसके बाद हम हिट मारेंगे। देख लीजिए हल्की हल्की हमने हिट मारना चालू कर दिया। हमारी आईसी कभी कभी हिल रही है, थोड़ा ट्यूजर की मदद से हम इसे पकड़ लेंगे या तो पोजीशन सही कर लेंगे। अभी हम पोजीशन सही कर लेंगे, अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अब हिलना नहीं चाहिए हमारी सीपीओ। तो देख लीजिए हमारा ट्यूजर का सपोर्ट रखा था, लेकिन बस बैठने वाला है हमारा सीपीओ। देख लीजिए फ्लक्स बाहर आ चुका है, मतलब हमारा सीपीओ बैठ चुका है। अब बारी आ जाती है रोम लगाने की। इसके बाद तो थोड़ा हम फ्लक्स लगा के इसे भी हिट मार देंगे। देख लीजिए तो बचे कुचे जो बॉल बैठे नहीं होंगे वो भी ऊपर नीचे के दोनों तरफ के बैठ जाएंगे हिट मारने से। अब आ जाती है रोम रिबॉल करने की। सबसे पहले रूम साफ कर लेना है हमें डिशॉल्डी वायर की मदद से। थोड़ी पीपीडी लगा के हम खाइए से पूरे बॉल प्रॉपर कर लेंगे जो हमारे ड्राई थे। इस बार हम तार की बजाय ब्रश से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये रूम है गाइस, इतना सा भी कार्बन रह जाएगा तो फोन में वही हमको फिर से ना सीपीयू बनाना पड़े, इसलिए हमको इस तरीके से इसमें साफ करना है। देख लीजिए हमारी रूम एकदम बॉल एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं पूरे। तो अभी हम इसे साफ कर लेते हैं फटाफट, और इसके बाद इसे रिबॉल कर लेंगे। देख लीजिए एकदम साफ हो चुकी है। चलिए स्टेंसिल से होल मिला लेना है हमें, और इसे रिबॉल कर लेना है।
देख लीजिए बॉल बन चुके हैं। हम फिर से इसकी एक बार कटिंग करेंगे और एक बार वो और फिर से पीपीटी भर के बॉल बना लेंगे। उससे होगा ये हमारे बॉल इक्वल बन जाएंगे, कोई छोटा इतना सा बड़ा भी नहीं रहेगा, कोई छोटा भी नहीं रहेगा। उससे ये होगा गाइस कि हमारा सीपीयू एकदम सीधा एकदम प्रॉपर बैठेगा रोम आईसी ऊपर में। तो अभी इसे क्लीन कर लेते फटाफट और इसको भी पेस्ट लगा के हीट मार लेते हल्की। तो देख लीजिए पेस्ट जो है कुछ गाइस ज़्यादा ही लगा दिया हूँ मैंने, आदत है मेरे को थोड़ी ज़्यादा लगाने की। चलो ठीक है, अब आ जाती है बारी हमारी रोम बैठाने की सीपीयू में। तो ये हमने टेप वेप सब निकाल दिया है, यहाँ पे हमने इसका सीपीयू वोल्टेज चेक कर लिया है, सीपीयू वोल्टेज प्रॉपर बना रहा है। अब आ जाती है रोम लगा लेते हैं हम, सीपीयू चेक कर लिया है हमने पीसी से भी कनेक्ट करके और वोल्टेज दे के भी बराबर वोल्टेज ले रहा है हमारा सीपीयू। अब आ जाती है बारी से हिट मारने की रोम आईसी को। तो देख लीजिए बस रोम आईसी हमारी बैठने ही वाली है, अभी बस थोड़ी सी बची है, बस बैठने ही वाली। हल्का हल्का पेस्ट आने लगा है बाहर गाइस, थोड़े हम एयर बढ़ा देते हैं उससे होगा ये और पेस्ट जल्दी बाहर आ जाएगा। तो देख लीजिए आपको दिख रहा होगा पेस्ट, ये देख लीजिए अब बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब हमारी रोम आईसी एकदम परफेक्ट बैठ चुकी है। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। अभी टेप हमने वापस फिर से एक बार निकाल लिया है क्योंकि रूम चेक करना था इसलिए निकाले थे जब भी। तो अभी फटाफट अब आ जाती है बारी फ़ोन चेक करने की। तो हमें पूरे कैमरे लगा ही देते हैं अभी हम, तो उससे होंगे ये हमको प्रॉपर पता लग जाएगा कि सब कुछ ओके है कि नहीं है। तो अभी हम इसे फिट कर रहे हैं, मदरबोर्ड एंटीना पॉइंट भी लगा लेते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है नीचे के नंबर दिए हुए पे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके पास कोई भी मॉडल हो, आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, जो भी हो, देख लीजिए फाइनली गाइस आप अपना फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन जो भी हो आपके पास आप रिपेयर के लिए भेज सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय बाय।